ये छोटी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है। और कील ना छोटी मोटी नहीं घुसी, काफी बड़ी कील घुसी हुई है उसमें। ओ भाई फ्लाई बाय, ट्यूब फट गया है पूरा भाई। ये बहुत खतरनाक चीज लगती है मुझे। अभी दूसरी दिक्कत एक और आ गई है भाई। साइड प्रोफाइल देखो भाई, रोमनाथ से भी ज्यादा लाउड है भाई। 650 तो भाई देखो अभी चल रही है सिलाई, इसी ट्यूब में जुगाड़ कर दी गई है भाई। रिएक्शन चेक करो आप, रिएक्शन 4 लाख के करीब ये गाड़ी आती है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो भाई आज का शाउट आउट है फरदीन अब्बास के लिए। तो भाई लिखते हैं, आपका ब्लॉग और आपको देखकर बहुत खुशी होती है, तो थैंक यू सो मच भाई। बाकी यार कल ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि कल यार मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया था। कल आरब भी आने वाला था ईटा से, तो कल एक राइड का प्लान किया हुआ था। पहले ईटा में बारिश शुरू हो गई, भाई फोन करता है कि यहाँ पे बारिश हो रही है, फिर उसके थोड़ी देर बाद यहाँ भी बारिश शुरू हो गई तो राइड पे नहीं जा पाए। बाकी आज भाई आ गया है, आज जाते हैं एक राइड पे। और मौसम आज भी थोड़ा सा गड़बड़ है, सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अभी भी धूप नहीं निकली हुई है लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही, तो आज मौसम एकदम बढ़िया सा है एकदम राइड के लिए, हल्का हल्का ठंडा ठंडा। तो भाई देखो घर से तो निकल चुके हैं, आरब तो मेरे घर ही आ गया था, बाकी एक भाई बस स्टैंड पे और वेट कर रहा है। तो आज हमारे साथ एक जीटी कॉन्टिनेंटल 650 और जाने वाली है, आज आपको चेक कराते हैं जीटी कॉन्टिनेंटल। भाई देखो उधर खड़ा हुआ है। हेलो भाई क्या हाल, काफी टाइम हो गया ये आ रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बाकी भाई एक भाई और आने वाला था वैभव, लास्ट संडे आया था हमारे साथ हॉर्नेट रैप्सोल पे, तो बोल रहा है उसको थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था तो वो चला गया है। बाकी हम 3 लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों बहुत टाइम लग रहा था यार, ज्यादा ही वेटिंग में लेते हैं क्या? पहले हम लोग पता 12 बजे निकलने वाले थे, फिर भाई ने बोला कि मैं ना सर्विस कराने के लिए जा रहा हूँ, तो सर्विस हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं, तो भाई बोल रहा है सर्विस हुई नहीं है, बहुत टाइम लगा रहे थे। ये देखो फ्लाईबाय कॉन्टिनेंटल के द्वारा। भाई ये जो कलर है ना क्रोम, भाई ये मेरा सबसे फेवरेट कलर है जीटी का। भाई इसमें बाइक की लुक अलग ही निकल के आती है भाई, पीछे से देख रहे हो कितनी तगड़ी लुक आ रही है बाइक की। भाई ये बहुत खतरनाक चीज लगती है मुझे, लोग ऐसे लेके चलते हैं, पीछे से ऐसा पता नहीं पड़ता कि कितना सामान बाहर निकला हुआ है। जब आदमी ब्रेक लगाता है ना तो बाइक बाइक में टच हो जाता है, कहीं भी लग जाता है, और भाई बहुत खतरनाक लगती है। भाई अपनी जीटी बहुत पीछे रह गई है, भाई वेट करते हैं अपने जीटी वाले भाई का। हेलो, हाँ क्या हो गया? अरे अरे आ रहा हूँ पीछे आ रहा हूँ भाई, राइड देखो अच्छे से शुरू भी नहीं हो पाई। भाई फोन कर रहा है जीटी में पंचर हो गया है, यू टर्न लेते हैं। भाई जीटी के पंचर में तो बहुत टाइम लगेगा, जीटी में ट्यूबलेस टायर नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी चल के पता करते हैं। ओ भाई यहाँ पे ना पीछे ही शॉप है ये वाली पंचर की, ट्यूबलेस है इसमें, ट्यूब है। ये छोटी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ हाँ अभी पीछे खड़े थे वहां पर तो ठीक थी, ये सही हुआ है कि पंचर वाली शॉप यहीं पास में ही है, वरना ले जाने में बहुत हालत खराब हो जाती भाई। जीटी इससे भी ज्यादा हैवी है। कील वगैरह तो घुसी कुछ? कील अभी रास्ते में ही लग गया होगा कुछ। ये घुसी हुई है कील? कील है? ऐसा करो टायर रख लो बीच में, 2 टायर रख लो बीच में, हो जाता है। बीच में टायर रख लो 2, ऐसे ही पंचर लगता है इसमें भी नहीं है मेन स्टैंड। उसमें और इसमें बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसका साइलेंसर और अपना साइलेंसर देखो कितना अंतर है। अंतर आ रहा है टायर पे, सही से लगाओ ये वाला, लगा दो ये वाला, वो हटाओ हटाओ, ऐसे जुगाड़ करनी पड़ रही है। राइडिंग में तो देखो प्रॉपर मजे आते हैं जीटी चलाने में, लेकिन अगर टायर गलती से पंचर हो जाए ना तो फिर ऐसे जुगाड़े करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे पैडॉक स्टैंड होता नहीं है छोटे शहरों में किसी के पास, अगर पैडॉक स्टैंड होता ना तो इतनी दिक्कत नहीं आती। तो अभी देखो ऐसी जुगाड़े चल रही है, और कील ना छोटी मोटी नहीं घुसी, काफी बड़ी कील घुसी हुई है उसमें। क्या कहने हैं इस बारे में? तुम्हारी में भी जा सकती थी ये। बच गए हो बेटा। मैंने अपना टायर इसलिए स्टील वेल्डेड डलवाया हुआ है, बहुत रेयर चांस होता है मेरे में, तो अभी तक हुआ नहीं है अब से मैंने डलवाया। तो भाई देखो एक दिक्कत आई थी, अभी दूसरी दिक्कत एक और आ गई है, और ये उससे बड़ी दिक्कत है, ट्यूब फट गया है पूरा, अब ट्यूब चेंज कराना पड़ेगा। तो भाई देखो अभी चल रही है सिलाई, इसी ट्यूब में जुगाड़ कर दी गई है अभी फिलहाल के लिए, बाकी देखते हैं कितनी कामयाब रहती है, अगर दिक्कत आएगी तो चेंज हो जाएगा, फिलहाल अभी चेंज भी नहीं कर सकते थे, यहाँ पे तो मिलता नहीं ट्यूब, तो मार्केट से लाना पड़ता है। तो अभी देखो इसी में जुगाड़ चल रही है,
कपड़ों में देखी होगी सिलाई, ट्यूब में पहली बार देख रहे होगे। फर्स्ट टाइम भी देख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम। तो भाई अभी काम खत्म हो चुका है, अभी निकलते हैं। बाइक का पंचर लग चुका है, वो बड़ा वाला पंचर लगा था, उसके बाद एक पंचर और निकला। वो जो कील थी ना वो पूरी अंदर घुस के दूसरी साइड से भी निकल गई थी। लगने के बाद पता पड़ता है कि वो भी है सीन। तो दो पंचर लगे हैं, अभी इसको हटाते हैं। भाई भाई ने आगे वाली लाइट भी चेंज करा रखी है, माइनस करा रखी है, तो लुक्स भाई खतरनाक आ रही है एकदम। भाई साइड प्रोफाइल देखो भाई, कितनी बल्की लगती है भाई जीटी। और भाई पीछे से जो लुक आता है डुअल बैरल एग्जॉस्ट का, खत्म ही सीन भाई। जीटी की लुक पीछे से बहुत अलग आती है भाई। 5650 और RS 200 भाई टक्कर दोनों की चल रही है। RS 200 भी आ गया भाई। भाई यहाँ पे रुकते हैं और अपना दूसरा GoPro ऑन करते हैं और सीन चेक कराते हैं आपको। ओ भाई फ्लाई बाय 650 की फ्लाई बाय देखो भाई। भाई आज के सीन्स भाई, फ्यूल के कांटे देखो भाई। ओड़ रहे 2 बजे हुए और जब मैं लौट के आऊंगा मुझे पता नहीं एक रह जाएगा या फिर एक भी नहीं रहेगा। भाई कॉन्टिनेंटल कहाँ है भाई, कॉन्टिनेंटल को बहुत बुरी तरह बीट करा है मेरा भी। देखो अब यहाँ से स्टार्ट होगा अपना लीन गेम। खतरनाक सीन्स भाई आज आ रहा है भाई, प्रॉपर लीन का मजा। आज रोड हमें बिल्कुल खाली मिल रही है। जीटी वाला भाई बोल रहे हैं भाई एग्जॉस्ट ऑर्डर कर दिए हैं और जल्दी जीटी में भी एग्जॉस्ट देखने को मिलेंगे आपको। जब जीटी में एग्जॉस्ट लगते हैं फिर भाई होता है फुल तबाही सीन। डोमिनार से भी ज्यादा लाउड है भाई 650। ये अपनी 400 cc है, वो अपनी 650 cc। तो आप सोच ही सकते हो कि जब ये इतना लाउड है तो वो कितना लाउड हो जाएगी। और उसमें डुअल एग्जॉस्ट लगेंगे तो भाई डुअल एग्जॉस्ट का मजा फिर आप सोच ही सकते हो। खतरनाक सीन्स होंगे जब एक जगह से दोनों निकलेंगे ना, तो आप सीन्स इमेजिन कर सकते हो। आरब भी बोल रहा है कि आरब भी एग्जॉस्ट लगवाने वाला है। भाई हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं और ज्यादा लीन करने का, लेकिन बहुत ज्यादा लीन अभी नहीं कर पाता हूँ मैं। इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं हूँ तो इतना ज्यादा ट्राई भी नहीं करता हूँ। हल्का इम्प्रूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे रोड भी यार इतना ज्यादा सही नहीं है। जब हम पहाड़ों में जाएंगे ना तब आपको देखने को मिलेगा एकदम खतरनाक वाले लीन। कौन एक इसके आगे भी चल रहा था, वो भी मतलब ऐसे ही बिना देखे कर रहा था। हाँ आ रहा, इधर का सारा एरिया घूम चुका है ब्लॉक से। हाँ नहीं नहीं ब्लॉक से घूम चुका ना, तभी तो बोल दिया सोरो वाला रोड है। हाँ कोल्हापुरी नहीं, ओके चेक करो आप रिएक्शन। अभी अभी हम लोग लौट के वापस आ रहे हैं। वैसे मैंने बोला था कि चाय पी के आते हैं सोरो जहां हम चाय पीते हैं। गाई ने बोला कि कोल्हापुरी पे ट्राई करते हैं और मैंने कोल्हापुरी पे अभी तक ट्राई करी भी नहीं है, तो वहां पे आज ट्राई करेंगे। और देखो स्कूल की छुट्टी भी हो रखी है तो आपको रिएक्शन भी चेक कराते हैं भाई।
भाई लुक देखो कितनी प्यारी लुक आ रही है। इसके साथ जो लाइट आती है ना वो हैलोजन आती है। तो भाई पता नहीं रॉयल एनफील्ड क्या कर रहा है भाई, 650cc में हैलोजन लाइट दे रहा है। 4 लाख के करीब ये गाड़ी आती है और 4 लाख की गाड़ी में आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा दिल टूट जाता है रॉयल एनफील्ड से। हाँ लीन में थोड़ा टायर ना छोटा है, टायर छोटा है और टायर में ना ग्रिप भी नहीं है। ये तुम्हारा पड़ा हुआ 130, इसमें पड़ा हुआ 130, तो RS में 130 है। अरे भाई अपना GoPro निकाल ले भाई, GoPro की रिकॉर्डिंग अभी चली रही है। तो भाई चाय आ चुकी है अपनी, और भाई राइड के बाद जो चाय पीने का मजा आता है ना वो घर में बैठ के नहीं आता। घर पे बैठे हुए लौंडे नहीं समझ सकते। बाकी भाई हमारे साथ पहली बार आया था राइड पे अपनी GT को लेके, तो भाई कैसे सीन्स थे? तो बढ़िया थे, अब नेक्स्ट टाइम और मजा आएगा और राइड रहेगा। भाई थोड़ी मॉडिफिकेशन भी करवाने वाला है, एग्जॉस्ट भी ऑर्डर किए हुए हैं और एग्जॉस्ट लगने के बाद सीन्स एकदम खतरनाक होने वाले हैं। डोमिनार से ज्यादा है, डोमिनार 400 है और वो 650 है, तो आप आवाज सोच ही सकते हो कि कितनी खतरनाक होने वाली है। और डुअल बैरल एग्जॉस्ट की तो फिर बात ही अलग है भाई, दोनों साइड से आवाजें गूंजती हैं।